मेरा नाम राजामणि है, नेताजी हमको सरस्वती नाम दिया था। नेताजी की विचारधारा गांधी जी से अलग थी, वो अहिंसा में नहीं बल्कि डायरेक्ट एक्शन में विश्वास रखते थे। मैं नेताजी की सपोर्टर बन गई। नेताजी आर्मी बना रहे थे, उन्होंने कहा तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। INA का कैंप डोनेशन के लिए लगा था और उनके इरादों को और मजबूत करने के लिए मेरे पास जो मेरा अपना था मैंने दे दिया। स्कूल से घर आई तो पिताजी के साथ कोई बैठा था, वो नेताजी थे। वो हमारे घर मेरे गहने लौटाने आए थे। मैंने उनसे कहा कि आप कहते हैं ये आंदोलन सबका है तो ये गहने आपको लेने ही पड़ेंगे। फिर मैंने कहा कि ये गहने मैं तभी वापस लूंगी जब वो मुझे अपनी आर्मी में शामिल कर ले। इतने लंबे इंतजार के बाद आखिर वो मान गए और देश का सिपाही बनने का मेरा सफर शुरू हुआ। इतना जिद्दी से वो बात किया और नेताजी इतना प्रभावित हो गए, बोला देवी सरस्वती जैसे बात कर रहे हैं, वो लक्ष्मी तो आते जाते हैं, सरस्वती एक बार आए तो कभी आपको छोड़ के नहीं जाते, इसलिए मैंने आपका नाम राजामणि से सरस्वती रखती है। और फिर नेताजी ने वो कहा कि अब मैं भी उनके कैंप आकर ट्रेनिंग कर सकती हूँ। हम में से कुछ लड़कियों को रानी झांसी रेजिमेंट में भर्ती कर लिया गया, पर नेताजी ने मुझे और दुर्गा को एक खास काम के लिए चुना जिसके लिए सबसे पहले हमें अपने बाल कटवाने पड़े। हम दोनों का हुलिया बदलकर बिल्कुल लड़कों जैसा हो गया। उसके बाद नेताजी ने हमें हमारा खुफिया मिशन बताया। वो चाहते थे कि हम अंग्रेजों के कैंप में उनके जासूस बनकर काम करें। देखा जाए तो हमें हाउसकीपिंग के रूटीन काम दिए गए थे, पर हमारा मेन काम था अंग्रेज अफसरों की हर बात सुनना और हर जरूरी बात की रिपोर्ट INA कैंप पहुंचाना। पकड़े जाने का डर तो हर पल था। मेरी टांग में गोली लग गई। एक सिपाही के लिए गोली का निशान एक मेडल जैसा होता है। 3 दिनों के बाद जब हम पेड़ से नीचे उतरे तो ऐसा लग रहा था जैसे मेरी टांग ही नहीं है। गिरते लुढ़कते हम आखिर कैंप आ पहुंचे। पहुंचते ही हमारी हिम्मत जवाब दे गई। कुछ दिन बाद मुझे नेताजी का एक पत्र मिला। उन्होंने मुझे मेरी दिलेरी भरे प्रदर्शन की बधाई दी। उन्होंने ये भी लिखा कि इस तरह के बहादुरी से भरे कारनामे उन्हें याद दिलाते हैं कि हम किस लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि 16 साल के हम शायद भारत के सबसे छोटे जासूस होंगे। जय हिंद।